एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए छोला ब्रेड टिक्की विदाउट आलू, आलू के बिना। तो ये देखिए, मैंने कुछ सूखे चने बनाए थे जिसका मैंने बनाया हुआ है वीडियो और डाला हुआ है। तो ये जो लिपटवा चने होते हैं ना, जो बिल्कुल अच्छे मसाले से कोट होते हैं, उस तरह के चने हैं। दो मैंने ये ब्रेड ली हैं, इनके किनारे कट कर लिए हैं। आप चाहें तो व्हाइट ब्रेड ले सकते हैं, मैंने ब्राउन ली है। थोड़ा सा कटा प्याज है, धनिया है, हरी मिर्च हमने ऑलरेडी छोले में डाली हुई है, तो ये मैं थोड़ा सा और इसमें मिक्स कर दूंगी। इसको मिक्स करते हैं। ये लिया है हमने एक बाउल में पानी, और ऑयल हमने गरम करना रख दिया है। डीप फ्राई करेंगे हम इनको। इसको हल्का सा ब्रेड को ऐसे डिप करेंगे हम पानी में, जैसे हम ब्रेड रोल बनाते हैं ना, उसी तरह से। तो बहुत अच्छे से हम इसको ऐसे सोक कर लेंगे। और थोड़ा सा ये मिश्रण जो सूखा है, बिल्कुल सूखे चने हैं, इसको हम इसमें डालेंगे। और चारों तरफ से इसको ऐसे सील करेंगे, चारों तरफ से ऐसे इसको पैक कर देंगे। और इसको गोल शेप देंगे, जैसे टिक्की की शेप होती है ना, उस तरह की हम इसको गोल शेप देंगे। देखिए, कुछ इस तरह का ये बनकर तैयार हो जाएगा। है ना, बढ़िया, आसान है ना। इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी बनाकर दिखाती हूँ। पानी में डिप करेंगे, किनारे ज्यादा जरूरी हैं, बाकी हल्का सा पानी लगाइए और इसको ऐसे प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जब पूरा पानी निचुड़ जाए तो फिर हम इसमें ये जो फिलिंग है इसको भरेंगे। और ये सूखे होने चाहिए चने ना, जैसे मसाले वाले सूखे चने हैं। इसमें चाहें तो आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, बट ऑलरेडी इतने स्पाइसी हैं तो मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। इसको चारों तरफ से करेंगे ऐसे पैक। बहुत आसान है, लेकिन एक अलग सा है। क्रिस्पी ब्रेड है, अंदर छोले हैं, और ऊपर आप दही चटनी डाल के खाइए तो कितना मजेदार ये लगने वाला है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। इसको ऐसे हल्के हाथ से दबाते हुए चारों तरफ से सील हो जाए, और इस तरह से हम इसको बना लेंगे। ये देखिए, हमने दो टिक्की बना ली हैं, और अब मैं इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हम इसको ध्यान से छोड़ देंगे और इसको सिकने देंगे एक तरफ से। ऐसे ही हम दूसरी भी ऐसे छोड़ देंगे और गैस को अब स्लो कर देंगे, तो उधर से सिक जाए, फिर हम इसको पलटते हैं। अब हम इसको इधर से भी पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, जितना क्रिस्पी आप करना चाहें उतना क्रिस्पी ये हो जाएगा दोनों तरफ से। और ये आपकी क्रिस्पी टिक्की, छोले अंदर फिल हैं और तैयार हैं। तो देखिए कितनी अच्छी ये लग रही हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। ये तुरंत सर्व करना है क्योंकि छोले हल्के से अंदर से गीले हैं, तो और गर्म बहुत अच्छा लगता है, तुरंत आपको सर्व करना है। तो हम इधर से भी सेक लेते हैं। और ये देखिए, बढ़िया सी बनकर ये जो है टिक्की हमारी तैयार है, जब आप खाएंगे तो सबको पसंद आएगी। ये देखिए, मैंने ये तीन बनाई हैं, और आपको पीछे से भी दिखाऊं मैं, इस तरह से क्रिस्पी हो जाती है, बंद जाती है ना, पर आप सर्व इधर से कीजिए क्योंकि उधर से हम पैक करते हैं तो थोड़ा कुछ इस तरह से लगता है। आपको यहां मैं आवाज करके बताती हूँ, इसको बिल्कुल क्रिस्पी है। और मैं कट करके भी दिखाती हूँ। स्लैब को साफ कर लिया है और ये अब हम इसको कट कर रहे हैं, और आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए है ना मजेदार छोले टिक्की। और यहां मैं आपको बताऊं, यहां से मैंने ये दही लिया है, दही में मैंने मीठी चटनी डाली है और हरी चटनी मिक्स करके एक डिप बना दी है।
तो देखिए ये बहुत ही यमी सी लगने वाली जो टिक्की हैं, आलू छोले, सॉरी छोले टिक्की, छोले ब्रेड टिक्की, मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।